हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, की क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले का सारा रॉ एंड स्मैकडाउन का एपिसोड हो चुका है खत्म और स्मैकडाउन में फाइनली रोमन रेंस ने अटैक कर दिया जे उसो पर। एंड सबसे अच्छी थिंग जो रही वो ये कि रोमन रेंस का सुपरमैन पंच आ चुका है वापस, यानी कि वो अपने हील कैरेक्टर में भी हमें अपना सुपरमैन पंच यूज करते हुए दिखने वाले, जो कि एक काफी अच्छी थिंग है। तो मेरी क्या कुछ प्रेडिक्शन है क्लैश ऑफ चैंपियंस के पेपरव्यू को लेकर, वो मैंने आप सबको पहले ही बता दी, जिसकी लिंक आप सबको ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगी। बट आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि करंट एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन जीत सकता है क्लैश ऑफ चैंपियंस के पेपरव्यू में। और आप सब जानते ही है एंड मोमेंट पर जो बैटिंग ऑड्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले मैच से। तो सबसे पहला मैच जो मैं देखने को मिलने वाला वो देखने को मिलने वाला है किक ऑफ शो में, जो कि होगा रॉ में चैंपियनशिप के लिए आस्का वर्सेस ज़ेलिना वेगा के बीच। वहीं बात की जाए यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग कौन जीत सकता है, तो आस्का हराने वाली है ज़ेलिना वेगा को एंड वो रिटेन कर लेगी अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जेफ हार्डी वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच, और ये होने वाला है एक लैडर मैच। और मैं जानता हूँ कि आप सब इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, स्पेशली जब ये होने वाला एक लैडर मैच। वहीं बात कर ली जाए बैटिंग ऑड्स की, देन बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग जेफ हार्डी हराने वाले एजे स्टाइल्स एंड सैमी ज़ेन को और वो रिटेन कर लेंगे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद नाम आता है सैमी ज़ेन का एंड सबसे कम चांसेस है एजे स्टाइल्स के। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए बॉबी लेस्ली वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच। देन यहाँ पर भी चैंपियन ही फेवरेट है, यानी कि बॉबी लेस्ली हराने वाले अपोलो क्रूज को एंड वो रिटेन कर लेंगे अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। तो इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिलने वाला वो देखने को मिलने वाला WWE चैंपियनशिप के लिए स्कॉटी साइकोपैड ड्रू मैकएंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच, और ये होने वाला एक एम्बुलेंस मैच। वहीं बात की जाए इस मैच में जीत कौन सकता है, क्योंकि सभी के मन में कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों के इक्वली चांसेस लगे हैं जीतने के। तो आप सबको बता दूं बैटिंग ऑड्स ने हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग ऑड्स दोनों के सेम है, जो कि है -120। इसलिए कह सकते हैं बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग दोनों के जीतने के बराबर चांसेस है। वैसे आपको क्या लगता है इस मैच में किसकी जीत होने वाली है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। जिसके बाद जो हमें मैच देखने को मिलने वाला वो देखने को मिलने वाला स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बेली वर्सेज निक्की क्रॉस के बीच। तो बात की जाए इस मैच की बैटिंग ऑड्स की, देन बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग बेली हराने वाली है निक्की क्रॉस को और वो रिटेन कर लेगी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, देन वो हमें देखने को मिलने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जो कि देखने को मिलेगा द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एंजल गार्जा एंड अंड्राडे के बीच। और बात की जाए इस मैच की बैटिंग ऑड्स की, देन यहां पर भी सेम सिचुएशन है जो कि है WWE चैंपियनशिप मैच के, यानी कि दोनों की बैटिंग ऑड्स इक्वल है, यानी कि दोनों की बैटिंग ऑड्स -140 पर है। इसलिए देखते हैं कि इस मैच में किसकी जीत होती है, क्योंकि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग तो दोनों के जीतने के बराबर के चांसेस है। जिसके बाद हमें देखने को मिलने वाला है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच नाया जैक्स एंड सेना बेजलर वर्सेस रूबी राइट एंड लिप मॉर्गन, यानी कि राइट स्क्वाड के बीच। तो बात की जाए बैटिंग ऑड्स की, देन यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग नाया जैक्स एंड सेना बेजलर हराने वाली है राइट स्क्वाड को एंड वो रिटेन कर लेगी अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। वहीं बात की जाए अपने सेकंड लास्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच शिंस्के नाकामुरा एंड सिजारो वर्सेस लुचा हाउस पार्टी के बीच। एंड बिना टाइम वेस्ट किए बात की जाए बैटिंग ऑड्स की, देन बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग शिंस्के नाकामुरा एंड सिजारो रिटेन करने वाले हैं अपनी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। वहीं बात कर ली जाए अपने नेक्स्ट लास्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है कजन वर्सेस कजन रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच। देन जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में फाइनली रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगा दिया जे उसो पर, और जे उसो ने भी ये थिंग कही थी कि वो रोमन रेंस को हराकर बनने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन क्लैश ऑफ चैंपियंस के पेपरव्यू में। बट बात की जाए बैटिंग ऑड्स क्या कुछ थिंग कहती है, तो बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस हराने वाले हैं जे उसो को एंड वो रिटेन कर लेंगे अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब इस मैच का रिजल्ट तो सभी को पता ही है, बट सभी ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि आखिरकार जब दो कजन आमने सामने आते हैं देन यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और आप सबको पता ही है पॉसिबली हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस के पेपर व्यू में रोमन रेंस देखने को मिल सकते हैं बिना वेस्ट या फिर टी शर्ट के, जैसा कि रोमन रेंस ने खुद कहा था। यानी कि क्लैश ऑफ चैंपियंस के इस मैच में हमें काफी कुछ देखने को मिलने वाला है, रोमन रेंस का न्यू लुक हमें देखने को मिल सकता है और रोमन रेंस के रिटर्न के बाद का ये पहला मैच हो सकता है जहां पर वो हमें अच्छी तरह से कम्पीट करते हुए दिखने वाले। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आपको क्या लगता है क्लैश ऑफ चैंपियंस के किस मैच में टाइटल चेंज होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।